जेड़ा कहिंदा सी मैं देश दा चौकीदार ओ अडानिया अबानिया दा चौकीदार हो निपड़िया। उन्हां दे दरवाजे सामने अपना चौकीदार वाला डंडा खड़काउंदा और ओही डंडा साडे विरुद्ध लगातार चलाउण लई बैठा। उन्हां दे कहण ते जो तुसी सबूत दित्ता अपने एके नाल अपनी जुरत दे नाल अपनी बुलंदी दे नाल सारे मतभेद भुल के जिन्नियां वड्डे पद्धर ते यूनियनां पहली बार कठियां होके अज दी तरीक तक लगातार लड़ाई दे रहीआं यही इस मोदी दीआं काली नीतियां दा जवाब है। भराओ मोदी जी असीं ते बेनती करदे आं कि जाओ झोला लैके जाओ जंगलां च जिथे जाना छड्ड दिओ इह देश नूं बचे रहण दिओ। ये देश नूं लोकां दे विच जिस किस्म दा भी है उन्हां दे हत्थां च सुरखरू रहण दिओ। असीं बड़े आराम नाल रह रहे हां, सिख हिंदू मुसलमान सारे रल के रह रहे हां, पर इन्हां नूं ये प्यार साडा एका साडी मजबूती पसंद नहीं। इस सभा च कट्ठे होए भैणों भराओ मैं तुहानूं कोई किसी अकल दीआं गल्लां अपनी विजडम दीआं गल्लां कोई दसण नहीं आया समझाउण नहीं आया। मैं ते तुहानूं नमन करन आया जो पिछले 6 महीनों तो दिल्ली दे बॉर्डरां ते लगातार एक एडे वड्डे मजबूत एके नूं समर्पित हो के तुसी जो मोदी और ओदी टीम आकड़ी बैठी सी ओदी आकड़ भन के रख दिती है मैं तुहानू नमन करना आ। दोस्तों ये मौका कल्ला भाषणा दा नहीं पर भाषणा विच भी सानू जानन दी लोड़ हैगी कि हो की रहा ये तिने कानून क्यों आए। मजदूरां दे 44 कानून क्यों फाड़ के सुट दिते गए और कारपोरेटां दे हक दे 4 लेबर कोड बना के क्यों पिछले साल लियांदे गए। क्यों जम्मू कश्मीर ओदी धारा 370 हटा के उस सूबे नूं 2 हिस्सियां च वंड के यूनियन टेरिटरी बना के सीधा केंद्र अपने हत्थां च लै गया। क्यों CAA वर्गे कानून बना के जिन्हों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट कहिंदे आ देश दे विच धर्म दे नाते वंडियां पाउण दा इंतजाम कीता। तुसीं अज अखबार पढ़ लई है और अज दी अखबार दे विच टॉप ते उन्होंने लिखिया होया कि बंगलादेश पाकिस्तान ते अफगानिस्तान दे हिंदुआं नूं कहा जा रहा कि अप्लाई करो असी तुहानू इत्थे शहरी सिटीजनशिप जिहड़ी आ उह देनी चाहुंदे आ। इहदा मतलब की है कि स्कीम 2024 दी तैयार हो गई है, एजेंडा तैयार आ, उन्हां नूं बुलाया जाऊगा, इत्थे हिंदू राष्ट्र दा एजेंडा वड्डे पद्धर ते लागू करन दी सारी प्लान है। नहीं ते इस किस्म नाल तुसी क्यों कोई किसे देश दी सरकार सिर्फ ते सिर्फ हिंदुआं नूं इत्थे आउण लई कहूगी तां कि जे इत्थे कोई रौला पवे तां असीं ते उह कह देणगे कि पहलां ही कहा सी कि तुसी इत्थे आ दो। दोस्तो मैनूं बहुत दुख नाल कहना पैंदा कि पंजाब उह दलेर पंजाब उह बहादुर पंजाब उह गुरुआं दा पंजाब जिहड़ा एक मजबूत पंजाब सी उसनू इन्हां ने पहला ही 2 टुकड़े करके रखता चढ़दा ते लैंदा पंजाब। साडे भाई साडे ते नाल दुश्मन बना के 2 देश बना के रख दिते। हुण असी बड़े आराम नाल रह रहे हां, सिख हिंदू मुसलमान सारे रल के रह रहे हां, पर इन्हां नू ए प्यार साडा एका साडी मजबूती पसंद नहीं। और हुण फिर एक बार एहो जे एजेंडे लिया के की करना चाहुंदे आए, पंजाब नू एक बारी फिर कमजोर करना चाहुंदे आ। इसलिए जो तुसी सबूत दिता अपने एके नाल अपनी जुरत दे नाल अपनी बुलंदी दे नाल
सारे मतभेद भुल के जिन्हां वड्डे पद्धर ते यूनियनां पहली बार कठिया होके अज दी तरीक तक लगातार लड़ाई दे रही हैं, यही इस मोदी दियां काली नीतियां दा जवाब है। भराओ ताड़ा एके दा सबूत यही है कि ओ सारे लोग जेडे अज तक सानू वरतदे रहे सीगे, कौन राजनीतिक पार्टियां, अज ओ ताड़ी स्टेज दे लागों दी नहीं लंघदे, ए ताड़ी शक्ति ताड़ा एका और तुसी ओ अपनी शक्ति जड़ी उन्हां नू बख्श दिंदे सी वापस अपने किसानां मजदूरां नौजवानां ते बीबियां कोल लिया के ए दस दिता कि साड़ी शक्ति साडे कोल ले जाके सानू जुतियां मारोगे सानू मंजूर नहीं, असी अपनी शक्ति नू आप वरतांगे और दसांगे कि असली मानिया च लोक राज की हुंदा। इसे शक्ति नू आउण वाले समय च सानू लगातार मजबूती दे तौर ते पेश करना पऊगा, ऐसे विच ही साडा बचा है। ओ चौकीदार जिहड़ा कहिंदा सी मैं देश दा चौकीदार, ओ अडानिया अबानिया दा चौकीदार हो निबड़िया, उन्हां दे दरवाजे सामने अपना चौकीदार वाला डंडा खड़काउंदा और ओही डंडा साडे विरुद्ध लगातार चलाउण लई बैठा उन्हां दे कहण ते। ए लड़ाई ए है, ए लड़ाई जनता एक पासे ते कारपोरेट दूजे पासे, उन्हां विच लीक खिच के लड़ाई ए आउण वाले समय च लड़ी जाऊगी। मोदी इन्ना भोला भी नहीं ते इन्ना फकीर भी नहीं, जेड़ा कहिंदा फकीर दा की हुंदा झोला लैके चल पऊ। मोदी जी असी ते बेनती करदे आ कि जाओ झोला लैके जाओ जंगलां च, जिथे जाना छड़ दिओ, ये देश नू बचे रहण दिओ, ये देश नू लोकां दे विच जिस किस्म दा भी है उन्हां दे हत्थां च सुरखरू रहण दिओ। तुसी अपना जो इत्थे मंत्र पढ़ना सीगा हिंदू राष्ट्रवाद दा, उस दा मंत्र बंद करो। किसान वीरो भैणो, जिस हालात विच्चों देश नू टक दिता गया और अज जिस हालात विच्चों देश लंघ रहा, एक गल ते साफ है कि ताडे एके सदका ए तिन्ने कानून वापसी नहीं होणगे। अगे तो मोदी और घट्टो घट मोदी दी सरकार बिल्कुल जुरत नहीं करूगी कि इहो जे कानून लियाउण। उहदा सबूत मैं तुहानूं इक्को दसदा कि ताडे एके तो डरदिआं जो तुसी पूरे देश दे विच पंजा सूबिआं दे विच ताडी लीडरशिप ने जाके होका दित्ता कि मोदी भजाओ मोदी हराओ देश बचाओ, उहदा रिजल्ट ए निकलिआ, उहदा नतीजा ए निकलिआ कि 12 देश दियां वड्डियां मुख पार्टियां ताडे पिछे आके खड़ियां हो गईयां और बयान दे रहीयां कि जे साडे कोल राज आऊगा तां असीं तिन्ने कानून ते रद्द करांगे, गां तो इहो जिहा कम नहीं होण दियांगे। और स्वामीनाथन वाली जिहड़ी C2 जिहदे विच जिहड़ी सब तों उच्ची दर है MSP दी, उह वी तुहानूं दियांगे। ये ताड़ी शक्ति है, ये ताड़ा लगातार संघर्ष का एके दा सबूत का नतीजा कि वह पार्टियां जेड़ियां सानू पिछे पिछे उन्हां दे घूमण लई मजबूर कर दियां सी, वह अज ताड़े पिछे पिछे खिचियां जा रहीयां आ। ये ताड़ी शक्ति है, ताड़ी एके दी, ये ताड़ी लीडरशिप दी सियाण पिया कि उन्हां ने ताड़ा इन्नी देर तक लगातार एक एका चट्टान वांगू मजबूत रखिया। मैं क्यों कहना कि आने वाला समा होर भी कष्टमई होर भी चुनौती पूर्वक हो सकता, क्योंकि देश दे अंदर जो आर्थिक हालत है इस वेले वो अति गंभीर है, असी सोच नहीं सकते कि किन्ने गंभीर आ। पेट्रोल 100 रुपये उपर लीटर कर दिता और जेदे विच 55 तो 60% टैक्स ते ड्यूटी ते हो रहा, नहीं ते सानू पेट्रोल जिहड़ा आ वह 40-45 रुपये पर लीटर पैना चाहिदा, वध तो वध 50 रुपये पर लीटर पैना चाहिदा। लुट और उहदा नतीजा यह निकलिया कि अज महंगाई 10.5% उपर छाल मार के चले गई है।
मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री दे विच कारखानिया दे विच कारोबारां दे विच अद्धी इंप्लायमेंट रुजगार रह गया, अद्धा रुजगार रह गया। 5 करोड़ तो उपर रुजगार सीगा सिर्फ जिहड़ियां चीजां कारखाने बनाउंदे आ, 27 लाख रह गया उन्हां चों 51 जिहड़ा 5 करोड़ 1 लाख तो 27 लाख रह गया, तकरीबन अद्धा रह गया। एडे वड्डे पद्धर ते बेरोजगारी फैल रही है, पढ़े लिखे बेरोजगार वो कित्थे जाणगे? इसलिए जिहड़े आउण वाले समें च मित्रो चुनौतियां इस सरकार वल्लों कंडे साडे रस्तियां च बीजे जा रहे आ, सिर्फ चंद अपने चहेते कारपोरेटां नूं खुश करन लई ओ साणू उहदा मुकाबला करन लई भी इसे तरीके नाल लगातार अपना एका बनाई रखना पऊगा। मैं ये भी दस दिया इत्थे कि जिहड़ियां उदारवादी नीतियां ये लागू करना चाहुंदे आ कि सारे दा सारा पब्लिक सैक्टर बंद कर दो, जाउनू वेचना ला दो, रेलवे वेच दो, BSNL वेच दो, LIC जिहड़ी के प्रॉफिट वेचिया उहनू वेच दो, प्राइवेट कर दो। ये लोग जिहड़े कल तक कहिंदे सी स्वदेशी देश भगत, स्वदेशी अपने देश दा लोकल मेड सारियां चीजां बनावांगे, अज कोठे चढ़ चढ़ के मोदी वाजा मारदा अमरीकन कंपनियां नूं कि आओ साडे इत्थे इनवैसट करो, साडे इत्थे अपना इनवैसट करो। इसलिए ये कोई देश भगत नहीं, ये यही लोग आ जिहड़े देश दे नाल अज सब तों वध धरोक मारे आ। असल विच इन्हां लोकां दी असली जगह जेल होनी चाहीदी है कि असल मानियां च ये लोग जिन्हां नूं असीं अपने देश की चाबी फड़ाई है ओही लोकां दे नाल तरोक मारे आ। इन्हां तों मुक्ति पाउणा अति जरूरी है, नहीं तो बार बार सानू लम्मे धरने इहो जी जगह ते आ के लाउणे पैणगे। फिर हल की है, बड़े लोग पुछदे आ कि प्रैस साहब जे बाई नंगिया फिर की करांगे, आ हो गया तो फिर ते फेरे आ जाणगे। ताडी गरंटी, ताडा एका, ताडा जज्बात, ताडा आपसी विश्वास और ताडा विशाल एका ओही ताडी गरंटी हैगी है। जे तुसी बार बार किसे भी इधर उधर सज्जे पासे किसे दे वो लुंबर चालां च आ जाओगे तो फिर असी फिर उन्हां चालां च ही फस जाएंगे जो लगातार 70 साल सानू फसा के रखिया ते रगड़ के रखिया और सड़कां ते अज असी बैठे हाँ वो नहीं बैठे। इसलिए जो शक्ति, जो ताकत, जो राजनीतिक शक्ति तुसी इस वेले पंजाब हरियाणा पछमी यूपी ते पूरे देश में हासिल की है इसनू बरकरार रखना और इसनू बरकरार रखने लई मेरा ख्याल है लीडर साहबान बड़े सियाने आ, मेरी एक सलाह आ कि पिंडो पिंडी जद वापस जाइए, एक तो असी जो आपसी फर्क हैगे आ भावें वह जातिगत आ भावें किसी किस्म के आ निजी है किसी कारण दे आ उसनू मिटा के उसनू कटा के असी अपना पिंडा लैवल ते एका मजबूत करिए। हर पिंड हर पिंड हर महला साडा लड़ाई का किला होना चाहिदा जिवें पुराने पिंड हुंदे सी। पुराने पिंडां दे विच वो अपना मुकाबला करने लई वड्डा गेट बनाउंदे सीगे ताकि जे कोई बाहरों धाड़ भी आए तो सारा पिंड मिल के मुकाबला करूगा। तुहानू अज भी उस किस्म की किलाबंदी करनी पऊगी इन्हां लोकां तों बचण लई, इन्हां दा मुकाबला करने लई मुकाबला कीता जा सकदा। दूसरा, जदों भी कोई चोणां आउंदियां पंचायतां दीआं चोणां आउंदियां, मेरी बेनती ये आ कि वोटां वाले पासे जाण दी जगह तुसी अपने सारे पिंड दी ग्राम सभा सद्दो, सारियां बीबियां भैणां भरावां नौजवानां जिमीदारां दलतां सारे भाईचारां नूं सद्दो, एक दिन दो दिन चार दिन पांच दिन लगातार बहस करो और जो उत्थे सर्बसंमति दे नाल टीम सामने आवे उस नूं भेजो ताकि तुहाडे पिंडां दे विच धड़ेबंदी जिहड़ी सानू कमजोर करदी आ एक पार्टी वल ते दूजा दूजी पार्टी वल वो चौधरियां दे हत्थों ताकत लै के उस चुनी हुई कमेटी दे कोल अपनी ताकत दो। इस तों अगे मेरा ख्याल है कि साडे किसान वीरां ने साडी लीडरशिप ने जदों एडी हिम्मत कीती है ते आपां नूं पिंडां दे पद्धर दे उत्ते
कोऑपरेटिव बना के, छोटे किसानों के कोऑपरेटिव बना के, वड्डे मिडिल लैवल के मध्यम लैवल के किसानों के बीबिया के कोऑपरेटिव ये बना के दुनिया के विच आपां मार्केट लब के अपना ब्रांड नेम वेच सकते हैं। सानू इधर नू भी सोचना पऊगा, सरकार तो निजात पाउण लई अपने आप नू आर्थिक तौर दे उत्ते, अपने आप नू जथेबंधक तौर दे हेलो सानू लगातार तगड़े अपने आप नू मजबूत करना पाऊगा। इन्ना कुछ शब्दों के नाल मैं खिमादा जा चुकिया, पर मैं एक बारी फिर ये कहना नहीं भुलना चाहता कि दोस्तों जिस संघर्ष में उतर गए हैं, जो शक्ति तुसी राजनीतिक जमात तो पा ली है, और जिस तरीके दे नाल पिछले 70-75 साल इस राजनीतिक जमात ने लगातार साडा खून पीता, इस शक्ति नू हर हालत हर पद्धर दे उत्ते आपां अपने कोल बरकरार रखना, और वो बरकरार ताही रहूगी कि जे असी इस तरीके दे नाल जिस तरह हुण असी एक अनुशासन दे रह के लगातार जड़ा अपने संघर्ष नू रखिया। और मैं इक्को गल कह के अपना विराम लऊंगा कि ना थकना, ना अकना, ना रुकना, ना कितों किसे तो चुकना, ना थकना, ना अकना, ना रुकना, ना चुकना, ये फार्मूला लैके असी अगे वधांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। T5 चैनल पंजाबी हुणे सब्सक्राइब करो, बैल आइकन पे क्लिक करो।